हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ऑल अबाउट हैप्पीनेस। कैसे हैं आप सब गाइस? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिलेट वीनस रेज़र रिव्यू। ये रेज़र आपको इजीली ऑनलाइन और लोकल मार्केट में मिल जाएगा। इसका प्राइस है ओनली 60 रुपीज़, दैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। गाइस, अपने बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए हमें वैक्सिंग की नीड होती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और बहुत पेन होता है। बट ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अब हम इजीली अपने बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये कुछ इस तरह प्लास्टिक पॉली की पैकेजिंग में आता है, जिसमें आपको फुल डिटेल्स मेंशन होती है। फ्रंट के टॉप में आपको इसका नेम मेंशन है, दैट इज़ सिंपली वीनस विथ 3 ब्लेड, और बॉटम में एक गर्ल की पिक है जो अपने अंडरआर्म्स को शेव कर रही है। पैकिंग के पैक में आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, लाइक आपको रेजर को कैसे यूज़ करना है, इसका प्राइस क्या, एट्सेट्रा। सो यहाँ पर 3 स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। सो स्टेप 1 में सबसे पहले आपको सॉप अप्लाई करना है, स्टेप 2 में आपको रेजर को ग्लाइड ऑन करना है, देन लास्ट स्टेप आफ्टर शेविंग आपको अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। पैकेट के मिडल में आपको इसकी मैन्युफैक्चर डेट मिल जाएगी, दैट इज़ 01/2019। इसको ओपन करने पर आप देखेंगे कि इसके ब्लेड के ऊपर प्लास्टिक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ताकि आपके हाथों पर कट ना लगे जब भी आप इसे यूज़ करें। इसके हैंडल पर रबड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से इस पर बहुत अच्छा होल्ड बनता है। मिडल में आपको कंपनी का नाम लिखा होगा, दैट इज़ जिलेट। जब हम प्रोटेक्टर को रिमूव करते हैं, तब हमें इसके ब्लेड विजिबल होते हैं। इस रेज़र में 3 ब्लेड लगे हुए हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका हेड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से आपको शेविंग करने टाइम बहुत इजी हो जाता है और कट लगने का कोई भी चांस नहीं रहता। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको ऐसा नहीं लगे कि आप कुछ हैवी चीज़ अपनी बॉडी पर यूज़ कर रहे हैं। सो अब चलते हैं इसके डेमो पार्ट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी हेयर ग्रोथ शेव करने से पहले। सो अब चलते हैं इसके प्रोसेस पे। सबसे पहले मैंने अपने हाथों को वेट कर लिया है, और अब मैं अप्लाई करूँगी लक्स बॉडी वॉश। इसका रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप किसी भी ब्रांड का बॉडी वॉश सोप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बॉडी वॉश नहीं है, तो आप कोई भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ही अमाउंट लिया है, और इसको अच्छे से रब करेंगे ताकि फोम क्रिएट हो। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर और शेव करेंगे। आपको रेज़र को पहले हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में चलाना है, और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा करने से हेयर अच्छे से रिमूव हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ भी बहुत लेट आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही स्वाइप में इसने ईजिली हेयर को रिमूव कर दिया है। जब आपको लगे कि आपका रेज़र वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब है कि आपके ब्लेड्स में हेयर फंस गए हैं, तो आपको ब्लेड को क्लीन करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप डायरेक्ट एक मग में वाटर लेके भी इसको क्लीन कर सकते हैं। आपको यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है, जब तक आपके सारे हेयर रिमूव नहीं हो जाते। जब आपके सारे हेयर रिमूव हो जाएं, तो आप नॉर्मल वाटर से हैंड को वॉश कर लें, और उसके बाद अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का इंटेंस बॉडी लोशन। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मॉइस्चराइज़र की मसाज जब तक करनी है, जब तक कि आपकी स्किन में ये अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि इस रेज़र को यूज़ करने से कोई भी रैशेस, इरिटेशन जैसा कुछ भी फील नहीं हुआ। आपको अपने हाथ बहुत ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर दिखेंगे। यही सेम प्रोसेस आपको अपने अदर बॉडी पार्ट्स पे भी अप्लाई करना है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने फेशियल हेयर को कैसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं, वो भी विदाउट पेन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।